कुत्तों की लड़ाई होगी, कुत्तों की लड़ाई होगी यहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी रात के बज चुके हैं, तकरीबन 9:30 हो चुके हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे पार्क पे, तो वो झूले लगे हुए हैं। तो अभी मुजम्मल भाई और आहद भाई साथ आए हुए हैं, तो ये दोनों झूले ले रहे हैं। तो मैं आहद भाई की जैकेट पकड़ के अभी खड़ा हूँ, तो पहले वो झूले ले लेंगे फिर मैं लूंगा। तो इस तरफ जो झूले हैं, तो यहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो पानी खड़ा तो इसलिए मैं ले नहीं रहा। अभी मैंने तो अपनी बारी पूरी कर ली है, मैंने तो झूले ले लिए हैं। तो मेरे एक्सरसाइज करने की वजह से ना बाजुओं में थोड़ा सा दर्द है, तो जिसकी वजह से बाजू में जोर लगता है तो फिर दर्द होती है, तो मैंने थोड़े से लिए। तो अभी दोबारा मुजम्मल भाई झूले ले रहे हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो नहीं तो वहाँ पे मैं ब्लॉग करता। तो यहाँ पे होता ना जैसे ये झूला है, तो फिर ब्लॉग हो सकता था, तो वहाँ पे लाइटिंग कम है। तो ये है जी आहद भाई, तो पिंक वाले हैं मुजम्मल भाई। तो अभी लाइट जो है वो काफी ज्यादा कम है। ये चुड़ेले है, ये चुड़ेल है, ये चुड़ेल है, एक वो है क्या कहते डट्टू, और एक है क्या थी दूसरी, नहीं नहीं उसके साथ ही नासापुर बेलबतोरी। तो अभी जी मेरी बारी दोबारा आ गई है, तो आहद भाई ने तो झूले ले लिए, अभी मैं ले रहा हूँ। तो अभी पिंक को जरा तेज करते हैं, मुजम्मल भाई की मेरे से ज्यादा तेज रहता है, अभी अभी मैं भी करता हूँ, वो भी तेज कर रहा हूँ। ब्लॉक ना बन जा बर्फ नहीं भाई, आप अभी वहां पे स्टिल खड़े हैं। अच्छा, अभी होगी, अभी आपका रंग लाल हो रहा है, अब होगी तेज, अब हुई है थोड़ी सी। तो अभी मैं और आहद भाई बैठ गए, अभी अली भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो अली भाई यहाँ से आए हैं, तो हमारे से पहले ही यहाँ से चले गए हैं घर। तो अभी हम दोबारा कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो मुजम्मल भाई अभी ले रहे हैं झूले, तो मैं और आहद भाई बैठ गए, अभी अली भाई को कॉल की है, कॉल अभी उठा नहीं रहे। ये कह के गए हमें बजाज फान में लेने जा रहा है, कॉल ही नहीं उठाई। तो अभी ये दूसरी कॉल जा रही है अली भाई को, तो अभी देख। अस्सलाम वालेकुम, कितने हो भाई? तो अभी मैं यहाँ पे झूला लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे आप नीचे कीचड़ देख सकते कितना ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे गिर गया ना तो साफ सुथरा हो जाना। मैं अभी जी झूले वगैरह हमने लिए 10 बज चुके हैं, तो अभी हम घर वापस चले लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है हम तीनों के सिवा, तो हम तीनों ही हैं यहाँ पे अभी, तो पूरा खाली है ये। ये सारा पार्क मेरे नाम आया था, मेरे दादा बोले मुझे दिया था, मेरे से सर गई है। हाँ मुमताज साहब तुम्हारे दादा जी। तो वैसे काफी अच्छा पार्क बना दिया उन्होंने फैमिली के लिए, तो सरकारी है मुमताज मुंह जिसका भी है, वैसे अच्छा बनाया पार्क। अभी हम अली भाई के घर आ गए हैं, तो अभी अली भाई को बाहर बुला के पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए। तो फोन पे तो उन्होंने वजह बताती थी, अभी वैसे पूछते हैं। और मुजम्मल भाई को एक काम भी उनके साथ, अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो हम घर आ गए हैं। तो अली भाई घर सो गए थे, तो वो बाहर ही नहीं आए, तो फिर हम घर आ गए। तो अभी मैं अपना बिट्टू चला के तो व्लॉग वगैरह एडिट करने लगा हूँ। अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो मेरे पीछे व्लॉग जो है वो एडिट हो रहा है। तो ये मेरे पीछे डब्बा पड़ा आप बिल्कुल लगा नजर आ रहा होगा, तो अभी मैं इसे लगा हूँ। यहाँ पे मेरी काफी सारी यादें यहाँ पे हैं, तो अभी इसे निकाल के देखते हैं कौन कौन सी यादें इसमें पड़ी है। तो अभी मैंने भी काफी तकरीबन 2-3 साल हो गए उन्हें इसे खोल के नहीं देखा, तो आज खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा है। आपको भी दिखाता हूँ साथ ही कि क्या क्या पड़ा है। अभी इसे खोलते हैं,
वैसे तो काफी बड़ा हो गया, तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। काफी सारी मिट्टी इसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो खैर इसे छोड़ देना, डब्बा खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ये पड़ी हुई है सीडीज, तो ये सीडीज जो है तो वो ये कार की सीडीज है, तो कार में म्यूजिक चलाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी, तो कार की वो खराब हो गई, तो फिर मैंने निकाल के यहाँ पे रख ली। और ये मेरा रजिस्टर है यूनिवर्सिटी का, तो आपको लिखाई दिखाता हूँ आपको मैं अपनी कितनी मेरी साफ सुथरी लिखाई है। तो ये आप मेरी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे, इट इज अ स्टडी डिजाइन इंफॉर्मेशन एंड जो भी है फला 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 फला, तो ये सारी मेरी लिखाई है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन फेज तो ये काफी है, खाली है। तो ये साइबेक्स सॉफ्टवेयर स्कूल था, तो यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की है, तो ये उन्होंने हमें भेज दिया था, तो उनका प्रोजेक्ट था हमें दिया, तो वो मैंने तैयार करना था। तो इस तरह का वो चाह रहे थे कि एप्लीकेशन हो जिसमें ये ऑप्शन हो, तो ये सारे मैंने बना ली थी, डेटाबेस भी बन गई थी और सब कुछ बन गया था, सिर्फ रह गया था कि प्रोटोटाइप निकालना, बाहर एक जो होता है इसका जो दूसरे कंप्यूटर में इस्तेमाल हो सके, तो वो निकालना रह गई थी, तो मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया और सारा खराब। तो ये सारा डाटा यूनिवर्सिटी का। ये आ जाता है जी बल्ब, तो ये काफी खास बल्ब है, तो यहाँ में मैंने लिखा हुआ है अरसलान हबीब आईटी, और उसका आईजी नंबर 2018-7841 उसका आईजी नंबर था 2016 से 2020 तक। तो ये वो बल्ब है, ये अरसलान हबीब हमारे ग्रुप का और हमारी क्लास का काफी इंटेलिजेंट बच्चा था, तो हमारा फ्रेंड है, तो हमारे ग्रुप का बंदा था, तो ये उसने बल्ब लगाया था अपने कमरे में और पढ़ता था, तो जाते वक्त ये बल्ब वो मुझे दे गया, तो मैंने संभाल के रख लिया। तो फिर कभी जिंदगी में इंशाल्लाह कभी कामयाब होंगे, तो अगर इंशाल्लाह ताला तब मिलेंगे तो फिर उसे मैं बल्ब दिखाऊंगा, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो बल्ब खुद ही देख लेगा। और यहाँ पे पट्टी वगैरह पड़ी हुई है, तो कबड्डी वगैरह खेलता था उसकी पट्टियां वगैरह। तो ये मेरे ड्रोन का कागजात पड़े हुए हैं, और ये मेरे थे वूफर ऑडियोनिक के मैंने लिए थे, तो खराब हो गए, तो उसका सामान मैंने सारा यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये ग्लासेस हैं, किसी लड़के की दोस्त की थी, तो उसने मुझे दे दी थी, जो काफी ज्यादा पुरानी ग्लासेस हैं, तकरीबन आज से 10 साल पहले की होंगी, तो ऐसी मैंने संभाल के रखी है यहाँ पे। और ये जी आप देख सकते हैं कार्ड उड़ाने के लिए ये डोर जो होता है, तो ये वैसे ही डब्बा है, तो ये डब्बा जो है ना इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता नहीं है ब्रेड बोर्ड उसका, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कार के स्पीकर के लिए कॉइल है जो मैंने रखी है, और ये वो है शर्ले गन के, ये है जी वो ब्रेड बोर्ड, तो साथ में बैटरी भी है, तो ये हम इस्तेमाल करते रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकल के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में। तो ये आईसी है, तो ये सारा सर्किट है इसका। एक और ब्रेड बोर्ड है, तो ये भी ब्रेड बोर्ड, हमारे दो ब्रेड बोर्ड थे हमारे पास, ये भी कार के स्पीकर के लिए, और अंदर ये परफ्यूम की डब्बी है जो सामान भी चाइना से लेके आए थे, तो मैंने ऐसी संभाल के रखी हुई है, परफ्यूम तो खत्म होगी इसकी। और इसमें ये पड़ा हुआ है, तो ये मेरा ख्याल पता नहीं खराब है कि ठीक है। तो ये मेरे जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका डब्बा पड़ा हुआ है, और ये मेरा पुराना बटुआ जो मैं यूनिवर्सिटी लेके जाया करता था, तो वो भी आपको दिखाता। तो इसमें ये शाहरुख खान की मैंने तस्वीर रखी हुई है, और क्या क्या रखा और पता नहीं क्या कुछ है, तो ये सारा कुछ था इसमें। और ये मेरी एक घड़ी ग्रीन कलर की, तो ये सारा डब्बा मेरा, और नीचे वैसे कुछ भी नहीं पड़ा, वैसे ही पड़े हुए हैं, चीज अब से मैं खरीदारी करता था उसके बिल वगैरह पड़े हैं, वो कुछ भी नहीं खास। तो ये था ये डब्बा जिसके अंदर आपने सारी चीजें देख ली, तो ये जाते थे, तो जो मैंने संभाल के रखी हुई। इसी तरह से मेरे और भी दराज हैं, किसी दिन टाइम या तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो कैसी जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आया होगा, तो मुझे बुरी उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।